तुम ठीक हो अभी या फिर अभी भी टेंपर आया तुम्हारा? No, I overreacted. And I'm sorry for that babe. Okay. ऋषि पेट खाली हो ना तो पारा बढ़ ही जाता है. तुम ना इसके नखरों को इग्नोर किया करो. मम्मा आंटी इग्नोर ही तो नहीं कर सकता, लेकिन आप प्लीज मुझे ये बताए ना चांद कब निकलेगा? बहुत सर दुख रहा है, I think it's because of dehydration. पानी का एक बूंद तक नहीं पैसों पास है. खाली पेट हूँ ना, सो नेचुरल साउंड कंट्रोल नहीं किया. बेटा सनसेट होने वाला, तुम दोनों रेडी हो जाओ. कम ऑन गो, गेट रेडी. 5 मिनट में आता हूँ. हाँ. I'm sorry. चलो चलो चांद निकल आएगा. संजय. अरे भाभी आप रेडी, आप थक जाएगी. अरे आप लोग हो ना ध्यान रखने के लिए, बिल्कुल नहीं थकूंगी. हाँ ऐसे ही रहना, वरना सब लोगों को यही लगेगा कि तुमसे हम ये सब जबरदस्ती करवा रहे हैं. नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है. और सब लोग ये बात जानते नहीं है, लेकिन करवा चौथ में मैं बहुत मानती हूँ, तो अगर आज आप मुझे मना भी करती ना काम करने के लिए तो भी मैं काम करती. माय गॉड, यू मीन तुम हमसे फाइट करती? फाइट वाली तो कोई बात ही नहीं है. और वैसे भी अपनों में लड़ाई नहीं होती, मतभेद होते हैं, सोच अलग अलग होती है तो बहस हो जाती है, पर वो सबके अच्छे के लिए ही होता है. और अगर आज काम के लिए बहस करनी होती ना तो शायद मैं कर भी लेती. लक्ष्मी भाभी आप भी किसकी बात सीरियसली ले रहे हो? सोनिया है, कुछ भी बोलती, जस्ट चिल. ओके नहीं नहीं, माइंड योर लैंग्वेज आना. फुआ आपकी डॉटर है, आप समझाओ इसे. लुक एट द वे शी इज टॉकिंग टू मी. चांद आ गया. एवरीवन लिसन, इस साल का करवा चौथ का चांद भाभी देखिए उस तरफ. आना लेट्स गो, सबको बुलाते. कम लेट्स गो. टाइम ऑफ मून राइज इन मुंबई. मम्मी जी इंटरनेट पे देखा आपने चांद निकलने का क्या टाइम बताया? हाँ बस. टाइम क्या पूछ रही हो नीलम, चांद तो निकल आया. सच? भोपाल में. ये भोपाल है, हम भोपाल में हैं, हमें भोपाल में चांद देखना है. यहाँ यहाँ चांद कब निकलेगा? वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषि को देखिए, वो आया क्यों नहीं अभी तक? लक्ष्मी का भी व्रत है और वो भी पहला. खड़ी क्या है मामी? चाचा चाची दादी, चांद आ गया, चांद आ गया. चलिए भोपाल में. नहीं मामा, यहाँ पे हमारे घर में, आई मीन मुंबई में. चलो चलो. कम से कम आज के दिन तो मजाक ना कर उसके साथ, तेरे लिए व्रत रखा है उसने. चलो चलो चांद निकल आया. एक बात तो है माँ, आज ये लोग गिफ्ट मिलने पर इतने खुश नहीं होंगे जितना चांद निकलने पर होंगे, है ना? भूखे पेट भजन ना हो गोपाला. अरे भूख से मर रही है व्रत के लिए और तुझे मजाक सोच रहे हैं. चला ऊपर, व्रत तोड़ना है उसने. आजा जल्दी. हाँ आ रहा. लगी नहीं रहा है फोन उसका, कहाँ है वो? अरे न्यूज में तो दिखा रहे थे कि चांद निकल आया, मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है. अरे आ जाएगा चांद बाबा, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि मेरी हालत खराब हो रही है मलिष्का, सुबह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया है. तुम तो खा के बैठी हो ना. कहाँ है तुम कह रही थी आ गया. हाँ यही था. हाँ तो फिर कहाँ गया नीलम? हाँ लक्ष्मी चांद को चलाती नहीं है. जानते हैं भूख लगी है ना हमें, आपको पता तो है. बट मैंने देखा था, वहाँ था चांद. चाची मैंने भी देखा था, यही कहीं था चांद. हाँ पर शायद चांद नहीं था, सिर्फ रोशनी होगी. चांद आया ही नहीं है शायद. सबने देख लिया, बस हमें नहीं दिख रहा. भाभी लिसन, आप एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ वहाँ पर और पेट चाहिए आराम से. आपने ना कुछ खाया है ना पिया है? सबके पति यहाँ है, ऋषि कहाँ है? आप बैठिए और रेस्ट करिए. मेरे को चश्मा नहीं लगा है, अब वो है ही नहीं तो नजर कहाँ से आएगा. वो कॉल्स मैन, कम ऑन मलिष्का, कब से कॉल कर रहा हूँ, एक बार कॉल बैक भी नहीं किया मुझे. क्या करूं मैं, कैसे कॉन्टेक्ट करूं मलिष्का को? एक बार और कॉल ट्राई करता हूँ. कम ऑन मलिष्का, पिक अप पिक अप. फिर आई लव यू बोलती क्यों है? से प्यार करती है वो, समझ ही नहीं रही मेरी बात को. एक बार कॉल भी नहीं कर रही है मुझे और मैं कॉल कर रहा हूं तो रिसीव भी नहीं कर रही है. जानती है कि मेरी क्या हालत हो जाती है अगर उससे बात नहीं कर पाता हूं तो.
प्लीज मलिष्का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ ही नहीं रही इतनी सी बात। मॉम का कॉल है इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जो कुछ भी मैंने किया मॉम के कहने पर किया। गॉड यार मलिष्का, क्या करूं? उसने मुझे खुद आके पूछा था, इनफैक्ट ये भी बताया था कि उसने मेरी कोई फोटोज देखी है इंटरनेट पे किसी लड़की के साथ। सो यस शशि ओबेरॉय, वो बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझ पे तो तुम्हें भरोसा है नहीं, राइट? तो जाओ और उसी से पूछो। उसने मुझे खुद लॉक रूम के बाहर बताया था कि उसने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है, वो भी येलो ड्रेस में। अपनी आंखें खोल के देखोगे ना तुम्हें दिख जाएगा कि दिखावा कर कौन रहा है, कौन मासूम चेहरे के पीछे क्या छुपा रहा है। क्या छुपा रही हो? वही जो तुमने छुपा। तुम्हें नहीं लगता गुस्सा ऋषि को होना चाहिए था, तुम्हें नहीं? मॉम मुझे सब पता है क्या तमाशा हुआ है। तुम इतना चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी तो सुनाई तो देना ही था ना। सो व्हाट? सो तुम्हें ऋषि के साथ इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था। मैंने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। तुमने उसे यहाँ से बाहर कर दिया और ये बोल दिया कि तुम्हें उसके साथ रहना नहीं है, और कह रही हो गलत नहीं किया। मलिष्का वो ऋषि है, ऋषि तुम्हारा, ऋषि तुम्हारे लिए। मेरे लिए नहीं मॉम, अब वो लक्ष्मी के लिए मेल्ट होने लगा और यही तो प्रॉब्लम है। तो इसका क्या मतलब है कि इस फाइट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सॉल्व हो या ना हो आई डोंट केयर, लेकिन लक्ष्मी के लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जिस रीजन से मैंने ऋषि से लड़ाई करी है ना, उसको कटघरे में जरूर लेगा। मैंने उसे बता दिया कि लक्ष्मी उस पर शक कर रही है और वो एक अच्छी बीवी और बहू बनने का सिर्फ एक नाटक कर रही है, नथिंग एल्स। इसका मतलब मलिष्का बिल्कुल सही कह रही थी, क्या कर दिया मैंने ऐसा। और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेगा? जितना मैं उसको जानती हूँ ना मॉम, शायद वो खुद को भी नहीं जानता, इसलिए जो मैं कह रही हूँ ना वही होगा, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और क्या होगा? बोला तो ऋषि लक्ष्मी से बहुत बड़ा झगड़ा करने वाला है। खुद पे गुस्सा आ रहा है। मेरे दिल में लक्ष्मी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल जीरो। फिर भी मैं ये करवा चौथ के नाटक में कैसे फंस गया? मलिष्का ही सही है, लक्ष्मी तो मुझ पर अपने पति पर भरोसा ही नहीं करती, विश्वास ही नहीं करती। फिर उसके ये करवा चौथ का नाटक भी झूठा ही है। उसके इस झूठे नाटक को मैंने सच मान लिया और इस वजह से मुझे उसे पहला बाइट खिलाना पड़ा, उसके करवा चौथ के व्रत को तोड़ना पड़ा, उसके व्रत को खुलवाना पड़ा मुझे। इस चक्कर में मनिष्का मुझसे नाराज हो गई, सिर्फ इस वजह से, और इतना नाराज हो गई जितना नाराज आज तक नहीं हुई थी मनिष्का मुझसे। क्या कर दिया मैंने। तुम रुको, हम देखते हैं। हेलो मैम, लक्ष्मी ओबेरॉय आप ही हैं? जी मैंने मंगवाया था। थैंक यू। एक सेकंड मैम, एक पार्सल हो रहा है। नीलम ओबेरॉय। हाँ थैंक यू। थैंक यू मैम। ये क्या? हम यही लेने आ रहे थे, इसी का वेट कर रहे थे। क्या है क्या ये? अरे क्या है कि ये सब? ये देखिए, हमने ये इविल आई मंगाया है। वाओ, बहुत अच्छा डिजाइन है। ऋषि के लिए है, उसे नजर बहुत लगती है ना। कल सुबह ही ऋषि को हम ये पहना देंगे, सेफ रहेगा इसे पहनकर वो। और ये सब क्या है? ये मैंने मंगवाया, ये देखिए। वाओ, वेरी प्रिटी, या नाइस। ये कहां से मंगवाई ये? वहीं से जहां से हमने मंगवाया है, हम दोनों ने एक ही जगह से मंगवाई ये चीजें। अच्छा, और ये ब्रांड क्या है? ईके ब्रांड। इंडिया को घर लाना है, हर घर इंडिया बनाना है, ऐसा मानना है इनका।
और इतनी सुंदर सुंदर चीजें, आपको पता है कर्टन्स, ड्रेप्स, डेकोरेटिव आइटम्स, बहुत अच्छी चीजें। इनका सामान देख के लगेगा कि अपना पूरा घर ही बदल दो। और तुमने ब्रास ट्यूमर देखा इनका? हाँ, मैंने मंगवा लिया। ऋषि, कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे हो? तुम्हें मैं फेंकने वाली थी इसे, पर दिमाग से निकल गया था। क्यों लक्ष्मी, क्यों तुमने अच्छी पत्नी होने का नाटक किया? क्यों किया ये दिखावा, जबकि तुम हो ही नहीं ऐसी। मुझ पे शक किया तुमने, मुझे लगता था कि तुम सच्ची हो, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, लेकिन तुम ऐसी हो ही नहीं ऐसी। तुम क्या सोच रही थी मेरे बारे में, कि मेरा अफेयर चल रहा किसी और के साथ? उसके बावजूद तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। क्यों, क्या दिखाना चाहती थी लोगों को, कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है मेरी, ये दिखाना चाहती थी? तुम झूठी हो लक्ष्मी, तुम झूठी हो एक नंबर की। क्या मैं तो कुछ अलग नहीं हो तुम, जैसी इस दुनिया में सारी लड़कियां ना बिल्कुल वैसी हो तुम। गलती मेरी है लक्ष्मी, मुझे लगा कि तुम सच्ची हो, लेकिन तुम बाकियों की तरह ही निकली, एक नंबर की झूठी हो तुम। उस मोलेस्टेशन के केस में तुम मेरे साथ खड़ी थी ना, क्या कहा था तुमने मुझे, कि तुम्हें मुझ पे पूरा भरोसा है, विश्वास करती हो मुझ पे? भगवान के सामने जैसे सर झुकाते ना, वैसे तुम्हारे सामने सर झुकाती हूँ लक्ष्मी। गॉड, जो कुछ भी तुमने किया ना, सब दिखावा था। गॉड, आई कांट बिलीव दिस, कि तुम्हारी नजर में मेरी ये इज्जत है, ये इमेज है, उसके बावजूद तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा। बट यू नो व्हाट लक्ष्मी, जब मैं तुम्हारा फास्ट खुलवाया था ना, आई फेल्ट सो नाइस, बहुत बहुत खुशी मिली थी मुझे, दिमाग में बहुत अच्छा लगा था, दिल में बहुत खुशी हुई थी। मलिष्का ने जो कुछ भी गुस्से में बोला है ना, आई नो वो कुछ भी मीन नहीं करती है, लेकिन क्या करूं, फोन तो उठाए मेरा। आई नो हालत तो उसकी भी खराब हो रही होगी, तड़प रही होगी मुझसे बात करने के लिए, लेकिन नहीं, कॉल नहीं करेगी ना, ईगो बड़ा है। मलिष्का, कम ऑन यार, एक बार बात तो करो मुझसे, कम ऑन पिक अप। गॉड, अब नेटवर्क का इशू आ रहा है। नेटवर्क ही नहीं मिल रहा कहीं पे। मिल गया। Come on, मलिष्का, pick up, please pick up. फोन ही नहीं उठा रही है। कोई बात नहीं मलिष्का, मत उठाओ मेरा फोन, मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं, देखता हूं कब तक नहीं उठाएगी। इतना गुस्सा तो मुझसे आज तक नहीं हुई है, कहीं ये लक्ष्मी का व्रत असर तो नहीं दिखाने लग गया? लक्ष्मी के व्रत के चक्कर में ना हमारा रिश्ता ना टूट जाए। व्हाट क्रैप, क्या बात कर रहा हूँ मैं। मेरी किस्मत और मेरा भाग्य सिर्फ मलिष्का है, मलिष्का के लिए मैं किसी से भी दूर जा सकता हूँ और किसी को भी खुद से दूर कर सकता हूँ।
ऋषि भाई ठीक हो ना? हाँ कहाँ गया ये? गया लक्ष्मी, निकल गया आई थिंक। तुम ठीक हो? उठो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी उठ सकता हूँ। और मुझे बचा के ना तुमने कोई महान काम नहीं किया, और इस आपको तो मैं खुद हैंडल कर सकता था। अब थैंक यू एक्सपेक्ट मत करना प्लीज। दो मिनट मेरी बात सुनोगे? इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, थैंक यू नहीं चाहिए। बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है लक्ष्मी, और मुझे तुमसे बात करनी भी नहीं है। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। लक्ष्मी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, लिसन टू मी, मैं बात करता हूँ उनसे। पति पत्नी के बीच की बात है। लक्ष्मी यू आर राइट, आई एम सॉरी, बट कोई जरूरत हो तो यू नो, या ऑल द बेस्ट। लक्ष्मी प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे, कम से कम अंदर तो चलो, अभी सांप निकला था यहाँ पे, अगर मैं बैग लेके नहीं आती और काट लेता। लक्ष्मी अकेला छोड़ दो मुझे, एक बार में तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही क्या? जस्ट लीव मी अलोन प्लीज, और कैसे समझाओ? और अब प्लीज मेरे पीछे पीछे मत आना, आई जस्ट नीड माई स्पेस। पर मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक, ले लो अपनी स्पेस, रह लो अकेले, लेकिन जब तुम शांत हो जाओगे ना उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। What is wrong with her man? अरे मुझे नहीं करनी इससे बात, एक बार मैं बात समझ नहीं आती है क्या? मुझे मलिष्का से बात करनी है। प्लीज 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 पिक अप, प्लीज पिक अप। फोन ही। आयुष तुम ऋषि के साथ कितने बजे जाने वाले हो कल? सांप, पापा गार्डन में सांप है, ऋषि वहां पे है, प्लीज प्लीज मत। हेलो शिट, लक्ष्मी क्या हुआ? सब ठीक है ना? सांप ऋषि, 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 उठो, अरे समझ लिया, नीलम, आराम से, आजा आजा, चल, आराम से, आराम से, कभी लक्ष्मी आराम से, इधर ला, इधर ला, इधर ला, आराम से, आराम से, आराम से, मम, आयुष, आयुष, मम, 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 चलो इसे इसे अंदर ले चलते हैं। ऋषि आंखें नहीं खोल रही, बात बहुत वीक लग रहा है लक्ष्मण। आप खड़े खड़े क्या करें, डॉक्टर को फोन कीजिए, बुलाइए उसे। वो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे, वो मैं। हाँ तो दूसरे डॉक्टर को फोन कीजिए ना, ऋषि की हालत देखिए, कुछ नहीं हो रहा, किसी को बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, कुछ कीजिए। मैं लक्ष्मी आँख बंद हो रही है मेरी, ऋषि भाई ठीक है, बस बस आँखें खोल के रखो, मुझे देखो तुम, आँखें खोल के रखो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। Be brave, be brave, be brave. Fight it out, Rishi bhai. Come on, Rishi bhai. Be brave, yeah. Come on, Rishi bhai. हाँ शरीला पड़ता जा रहा है. Rishi bhai. आप फोन लगाइए ना. हाँ मैं फोन कर, फोन कर. Rishi.
ऋषि आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज यार, ऋषि भाई आंखें खोल के रखो प्लीज 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 प्लीज, ऋषि ऋषि उठो, ऋषि मुझे देखो, कुछ नहीं होगा ऋषि, मुझे प्यास लग रही, पानी पानी चाहिए, पानी पानी लेके आ जल्दी ऋषि, कुछ नहीं होगा ऋषि पुत्र, कुछ नहीं आप खोल पुत्र, ये पानी ऋषि भाई साइड पानी दो, मैं बाइट 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 मां पानी पानी, हां हां पुत्र नहीं दादी पानी नहीं, सांप सांप काटे को पानी पिलाते हैं क्या, पिलाते हैं क्या नानी, मुझे नहीं पता, उसे प्यास लगी मम्मी जी आप पानी दीजिए, कहिए वीरेंद्र जी, शर्मा जी ऋषि को सांप ने काटा है, उसे प्यास लगी पानी पिलाइए मम्मी जी आप, नहीं नहीं पानी नहीं देना है वीरेंद्र जी, कहिए उनसे पानी मत देना, डॉक्टर ने कहा पानी मत देना, प्लीज सर पानी मत देना, लगती है सांप काटने के बाद प्यास लगती है, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं देना उन्हें, इससे ठीक लगेगा, माता रानी मेरे पति कुछ नहीं होगा मेरे पति को, ये बात डॉक्टर हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है, ये देखिए उसे सांप ने काट लिया, वो एकदम बेहोश जैसा और उसके हाथ में जलन हो रही है, वो पानी मांग रहे, कुछ कुछ बताइए, कुछ करिए, हम क्या करें प्लीज प्लीज सर, देखिए सांप काटने के बाद ये सारी चीजें होती है, आप जितनी जल्दी हो सके ऋषि को हॉस्पिटल लेकर आइए, क्योंकि जैसे जैसे ऋषि के मुंह से अब झाग निकलना शुरू होगा उसकी जुबान सुन्न हो जाएगी, उससे कुछ भी बोला नहीं जाएगा, पैरालाइज होने के भी चांसेस हैं, और फिर उससे सांस भी नहीं लेते बनेगी, आप जितनी जल्दी हो सके ऋषि को हॉस्पिटल लेकर आइए, अक्सर 30 मिनट के बाद में खतरा शुरू होता है, किसी को याद है वो सांप कैसा था, कैसा दिखता था, ताकि मैं पता लगा सकूं और उसके हिसाब से उसकी दवाई रेडी कर सकूं, हम दिखाते हैं आपको, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूं, ये सब माय गॉड ये सांप तो बहुत ही जहरीला है, आप एक काम कीजिए, आप जितनी जल्दी हो सके ऋषि को हॉस्पिटल लेकर आइए, आपके पास 30 मिनट में नहीं है, अब डॉक्टर इतनी जल्दी कैसे लेकर आएंगे, मामी 10 मिनट में आ रही है एम्बुलेंस, 10 मिनट तब तक क्या कर सकते हैं डॉक्टर, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे कैसे थोड़ा सा आराम आया, अब कुछ तो कर सकते होंगे, बताइए ऋषि को अब एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, जहाँ ऋषि को सांप ने काटा है वहाँ किसी को मुंह लगाकर वो जहर चूसना होगा, लेकिन ये काम किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही कराना होगा, क्योंकि अगर ये काम कोई नॉर्मल इंसान करेगा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसकी बॉडी में भी जहर फैल सकता है, और अगर ऋषि जुबान से नहीं बोल पाता है या स्लर करता है तो ऋषि की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए देर मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके ऋषि को हॉस्पिटल लेकर आइए, कुछ नहीं कहा था ना मैंने, कहा था ना अंदर चलो, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है, ये ना एम्बुलेंस भी रुक गई है वहाँ पर, ऋषि के लिए एक एक पल मारी और एम्बुलेंस यहाँ से रुकी हुई है अभी, पर ये तो सही रास्ता है नीलम, यहाँ कभी ट्रैफिक नहीं होता, तो फिर आज क्यों है ट्रैफिक, आपको ना ये रास्ता लेना ही नहीं चाहिए था, पर मैं बोल रहा हूँ नीलम, सही रास्ता ही है, कभी नहीं होता ट्रैफिक यहाँ इतना, ऋषि के लिए एक एक पल कीमती है, हमारा बेटा वहाँ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं होगा ऋषि को, हमारी लक्ष्मी है ना उसके साथ, अगर लक्ष्मी है तो हमारे बेटे की हालत हुई कैसे, उसके ग्रह तो बहुत ताकतवर है, तो फिर हमारा बेटा अपनी जिंदगी के लिए लड़ क्यों रहा है, हमारे बेटे ने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ ऐसा हो रहा है,
क्यों उसकी कुंडली में मार के दोष आ गया? अगर हमारी कोई गलती थी, हमारी हमारे कर्म खराब थे, तो हमें सजा मिलनी चाहिए थी। हमारा बेटा नीलम, नीलम, हमारा बेटा क्यों इस तरह तड़प रहा है? नीलम प्लीज, हम क्या करें? हम बहुत बेबस, हम कैसे बचाए अपने बच्चे को? कुछ करिए नीलम, नीलम प्लीज प्लीज, रिलैक्स कर, तुम थोड़ा रिलैक्स कर। अब क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। हम ऋषि को देखकर आते हैं। कुछ नहीं होगा ऋषि को, कुछ नहीं होगा। मेरी मेरी लक्ष्मी है उसके साथ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी, ये सारा ट्रैफिक क्लियर हो गया, बस एक टैक्सी। लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी डोंट डोंट, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, आज तो क्रेजी पागल हो गया। लक्ष्मी क्या कर रही हो ये? लक्ष्मी लुक एट मी, लक्ष्मी लक्ष्मी मेरी बात सुनो। तुम्हें तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला था? ये इन चीजों के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तुम एक्सपर्ट नहीं हो लक्ष्मी, डोंट डू दिस, डोंट लक्ष्मी डोंट। उसकी हालत देखो, उसकी आंखें नहीं खुल रही है, उसके मुंह से जहर निकल रहा है। अगर नहीं किया ना अभी तो बहुत देर हो जाएगी। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं भाई को, सब ठीक हो जाएगा, इसे मत करो लक्ष्मी प्लीज, डोंट। लेकिन अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है आयुष। लक्ष्मी जान जा सकती है तुम्हारी, लक्ष्मी दिस इज डेंजरस, डोंट प्लीज। मानते हो कि नहीं पत्नी? मानते हो कि नहीं मुझे ऋषि की? ऋषि की अगर तुम मुझे पत्नी मानते हो उसकी, तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरा करवा चौथ का मत समझा, मुझे जो होना है हो जाए, ऋषि को कुछ नहीं होगा। चलो गाड़ी गाड़ी जल्दी चलिए, चलो एम्बुलेंस के पीछे। लक्ष्मी मुझसे बात करो, लक्ष्मी माता रानी, कृपा करना मेरे बच्चे। आराम से बैठ प्लीज,
सब है ना यहाँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके ऋषि, तू ठीक है ना बेटा? तुम टेरेस पर क्या कर रहे थे? वो भी उस टाइम लक्ष्मी से झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी से झगड़ा नहीं हुआ था। इनफैक्ट लक्ष्मी ने तो मुझसे कहा था कि घर के अंदर चले जाओ, कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं भी सोच रही हूँ, समझ भी नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। इसी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ मैं? डॉक्टर, अभी अभी लक्ष्मी की तबीयत कैसी है? जो डरता वही हुआ है। क्या जहर इनकी बॉडी में गया है? ज्यादा नहीं लेकिन गया जरूर है। मैंने इंजेक्शन दिए हैं और मेडिसिन भी स्टार्ट कर दिए, देखते हैं अब क्या होता है। हाउ कुड यू डू दिस? आपने लक्ष्मी को ऋषि का जहर कैसे निकालने दिया? मैंने आपको मना किया था, एक्सपर्ट ही कर सकते हैं ये सब। अब देख लीजिए लक्ष्मी की हालत। सॉरी डॉक्टर, बट प्लीज फॉर गॉड से आप ये बताइए कि वो ठीक होगी। आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं बोल सकता। आधा घंटा वेट करते हैं, जहर ने कितना नुकसान किया है ये सब देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा, उसके पहले नहीं। ओके माँ, लक्ष्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा। माँ आप चिंता मत, लक्ष्मी बिल्कुल ठीक होगी। ऋषि कहाँ गया? वो आ जाएगा अभी। आप मलिष्का, मलिष्का बात तो सुनो, हुआ क्या एक बार बताओ तो सही मुझे, क्यों क्यों ऐसा एक्ट कर रही हो? बताना जरूरी है। इधर देखो, बताओ तो हुआ क्या है? अरे मैंने देखा था वो साहब, मैंने कॉल किया था तुम्हारे घर पे, मैंने सबको बोला था कि जाओ ऋषि को बचाओ, क्योंकि मैं नहीं थी वहाँ पे। वो साहब देख के मेरी क्या हालत है तुम सोच भी नहीं सकते हो ऋषि, और जब तुम्हारा फोन डिस्कनेक्ट हुआ ना, मैं पागल हो गई थी, क्या कहने चल रहा था मेरे दिमाग में, और तुम, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं भागी भागी चल गया, मेरे कार का एक्सीडेंट भी हो गया ऋषि। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे ऋषि से मिलना था, और मैं आई यहाँ पे, लेकिन मेरा ऋषि, उसने तो मुझे देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बाहों में तो लक्ष्मी थी, उसकी केयर थी तुम्हें, उसकी मेरी नहीं ऋषि। और क्या बोल रहे थे तुम्हें, आइडिया भी है तो पूरे टाइम तक मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी और उसकी तीखा सर, ऋषि तुमने मुझे देखा तक नहीं यार, छोड़। मनीषा ये क्या बात करे जा रही हो, कैसे देखता मैं तुम्हें? मेरी खुद की हालत इतनी खराब थी, कैसे देखता? यही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी हालत खराब थी, और किसके लिए? उस लक्ष्मी के लिए। तुमने अपनी मलिष्का को तो देखा ही नहीं, तुम्हें उसकी केयर ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की केयर है, तुम्हें तो उसकी फिक्र थी। उसकी फिक्र थी मुझे, अभी भी है मलिष्का। लक्ष्मी ने सांप का जहर निकाल लिया मेरी बॉडी से और खुद की बॉडी में ले लिया। ये जानती थी कि वो काम कितना रिस्की है, उसकी जान भी जा सकती थी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी कहा था ये काम बहुत रिस्की है, सब जानते थे, लेकिन उसने सिर्फ मेरे लिए किया, मेरी जान बचाने के लिए। एक बार फिर उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाल दिया, किसके लिए? मेरे लिए। इस सिचुएशन में मुझे उसे बाहों में लेना पड़ा मलिष्का, कोई रोमांस करने के लिए नहीं उठाया था, वहां पे स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं था। प्लीज मलिष्का ट्राई टू अंडरस्टैंड, डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि जो कुछ भी हुआ है ना उसकी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। अभी इस बात की भी गारंटी नहीं है कि उसकी जान बचेगी, अब वो मर जाएगी। प्लीज मलिष्का यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, एक बार मेरी बात तो समझ लो। देख रहे हो ना अपनी केयर, अपनी कंसर्न उसके लिए, तुम देख रहे हो ना कि तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो, और तुम्हारी यही केयर, तुम्हारा यही कंसर्न ये प्रूव कर रहा है ऋषि कि वो क्या है तुम्हारे लिए, उसकी क्या वैल्यू, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। और प्लीज ये ना ये इमोशनल बातें करके मुझे ज्ञान मत दो, तुम मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ऋषि, सो प्लीज मलिष्का जी स्टॉप इट, तुम क्या बोले जा रही हो? उस लड़की की हालत देखो, अपनी लाइफ के लिए लड़ रही है वो वहां पे, तुम हो क्या? Damn it, man. मलिष्का, तुम ये क्यों नहीं देख रही हो कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई है? तुम ये देखो ना, लेकिन नहीं, तुम तो अलग ही ट्रैक। Don't dictate me, ऋषि। और क्या बोला था तुमने? कि तुम सबको सुलझा दोगे, right? Remember? तुम सब मेरे लिए ठीक कर रहे थे ना, मेरे लिए। तुमने क्या बोला? तुम मेरे हो, ऐसे हो। मलिष्का, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ऐसे हो तुम मेरे, तुमने अपनी मलिष्का को देखा तक नहीं ऋषि, तुम क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भी मेरी उतनी केयर करती है, और उसमें गलत क्या मलिष्का? अगर किसी को फैमिली में जरूरत है तो मैं उसकी भी केयर करूंगा, क्योंकि वो भी फैमिली नहीं है, वो तुम्हारी ऋषि, लेकिन फैमिली के साथ तो रहती है,
एक ही घर में, वहाँ पे आई भी तुम्हारी वजह से। इसलिए उसके आगे तुम मुझे देखोगे ही नहीं ना, जैसे मैं कुछ हो रही तुम्हारे लिए, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मलिष्का जस्ट स्टॉप इट, क्या क्या बोले जा रही हो तुम, क्या बकवास कर रही हो, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। कम ऑन मलिष्का, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई स्वयं मेरा ध्यान नहीं था तुम पे, और बंद करो यहाँ पे तमाशा, हॉस्पिटल ले। तमाशा? अब तुम्हें सब तमाशा लग रहा है ना, अब मेरा प्यार, मेरी फीलिंग सब तमाशा बन गई है, तो ठीक है मैं बंद कर देती हूँ तमाशा। तमाशा बंद करना है ना तुम्हें, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा था ना रिश्ता तोड़ने को। बेवकूफ बना दिया ना मुझे मलिष्का। नहीं ऐसा ऐसा